शाम में तो हर किसी को भूख जरूर लगती है, पर रोज रोज क्या बनाए ये टेंशन हमेशा रहता है। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जिसे बनाना बहुत ही आसान है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही आसान और मजेदार रेसिपी। इसके लिए हम बहुत ही छोटे छोटे आलू को पहले बॉइल कर लेंगे और उसके सारे छिलकों को उतार देंगे। उसके बाद हम पैन बिल्कुल थोड़ा सा तेल लेंगे, आप कोई भी तेल यूज कर सकते हैं। उसमें हम आलू को डाल के उसमें थोड़ा सा नमक डालें, ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे, और उसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक कि आलू कुछ इस तरीके से ना हो जाए। ये कितना टेस्टी और मज़ेदार लग रहा है देखने में, और ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। आप इसे 1 से 2 साल के बच्चों को भी ऐसे ही दे सकते हैं। बाद आलू को निकालेंगे, सेम पैन पे हम बिल्कुल थोड़ा सा तेल लेंगे, उसमें 2-3 दाने लहसुन के कटे हुए डालेंगे और उसे अच्छे से मिला लेंगे। अब उसमें हम थोड़ा सा करी पत्ता डालेंगे, अगर आपके पास स्प्रिंग अनियन है तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है, या तो आप नहीं भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम एक कटे हुए प्याज लेंगे, इसे बारीक बारीक कटा हुआ प्याज रहना चाहिए, इसे अच्छे से मिला लेंगे। प्याज को सुनहरा होने तक हमें इसे भून लेना है। आप चाहे तो इसमें प्याज नहीं भी डाल सकते हैं, ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। आप चाहे तो सिर्फ करी पत्ता से भी इसे बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा प्याज बिल्कुल सुनहरा हो गया है। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच चिली सॉस डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें चिली सॉस नहीं डालिए, लेकिन अगर बड़े बच्चे खाएंगे तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद हम 1/2 छोटा चम्मच सोया सॉस डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। इसे अच्छे से मिला लेने के बाद अब हम इसमें आलू को डाल देंगे। आप चाहे तो आलू को एयर फ्राई भी कर सकते हैं, टोटली ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। अब हमें इसे अच्छे से मिला लेना है और इसे अब हमें 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल ऐसे ही लो फ्लेम में भून लेना है। जब आप इसे 2-3 मिनट तक भून ले तो फिर आप इसमें 1/2 पैकेट मैगी मसाला डालेंगे। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप 1 पैकेट डालें, नहीं तो 1/2 पैकेट डालेंगे। और मैगी मसाला डालने के बाद इसे 1 मिनट तक हमें और भूनना है। दोस्तों, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से मैं वीडियो बना के लाती हूँ। वीडियो पे कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लगता है, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बस हमारा देखिए यहाँ पे पोटैटो बाइट्स बन के तैयार हो गया है। अब हम इसे चलिए प्लेट पर सर्व कर लेते हैं, प्लेट पर इसे निकाल लेते हैं। ये बिल्कुल ही आसान रेसिपी है, आप इसे बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं, शाम को स्नैक्स के तौर पर भी दे सकते हैं। अगर 1-2 साल के बच्चे हैं तो जैसे ही हम पहले पोटैटो को फ्राई कर लिए थे बस नमक के साथ, बस वैसे भी आप बच्चों को दे सकते हैं। इसके ऊपर हम करी पत्ता डाल देंगे, अगर आपके पास धनिया है तो आप धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं, इसे सॉस के साथ भी आप खा सकते हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, यदि फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।